राजनीतिक दलों के गढ़ को भेदना और भेदने के बाद अपनी पार्टी का परचम लहराना, जी हाँ, इतना आसान नहीं होता, कड़ी चुनौती होती है। जी हाँ, अब आप शायद समझ गए होंगे और मैं भी खोल देता हूँ कि आज इंडिया न्यूज के साथ नोटबंदी के बाद, चुनाव की सूची लिस्ट जारी हो जाने के बाद, पहला सबसे खास इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद स्वयं नितिन गडकरी। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नितिन जी, गोवा में कैसा नया रास्ता बनेगा? राजनीति में उठा पटक दिखाई दे रही है। देखिए, गोवा के राजनीति का और चुनाव का अभी महत्वपूर्ण विषय है कि डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी मेरे ही डिपार्टमेंट ने गोवा में 15,000 करोड़ से ज्यादा काम किए हैं। जुवारी में बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे 4,000 करोड़ का। मुंबई गोवा रोड के पैकेज के 3 पैकेज जो 3,500-4,000 करोड़ के हैं, और हमने इतना अभी हमारा पोर्ट में हमने काफी काम किया है। तो मुझे लगता है कि हमारा नया एयरपोर्ट बना रहे हैं और गोवा की जनता बहुत शांत है और ये जो कुछ हमने काम किया उससे प्रसन्न भी है और हमें चुन के देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन नितिन जी, यहाँ की राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति यहाँ पर ऐसे करवट बदलती है जैसे पलक झपका और राजनीति ने करवट बदला। आपकी अपनी सहयोगी एमजीपी जो आपके साथ आपकी गोद में बैठी हुई थी, अब वो आपके खिलाफ है। वो दल जो आपके साथ महाराष्ट्र में आपके साथ आपकी सरकार में है, वो यहाँ पर महायुति और महागठबंधन बना के आपके खिलाफ है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, सुभाष वेलिंगकर संघ में रहे, अब वो आपके खिलाफ हैं। तो आखिर यहाँ की राजनीति कौन सा नया रास्ता आप यहाँ तलाश? पहली बात तो ऐसी कि शिवसेना पिछले बार भी हमारे विरोध में लड़ी थी और पूरे गोवा में उनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था और उनको 2,000 वोट मिले थे। दूसरी बात, वेलिंगकर जी, हमारा आज तक का इतिहास है कि हमारे पार्टी में विचारधारा को महत्व है, संगठन को महत्व है, और बड़ा से बड़ा व्यक्ति जब संगठन और विचारधारा से दूर होकर अगर कुछ दूसरे राउंड पर जाता है तो हमारा इतिहास इस बात को गवाह देता है कि वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। तीसरा एमजीपी है, पिछले बार हमारे साथ थे तो भी हमारी अकेली मेजोरिटी थी। लेकिन नितिन जी, अब गोवा से थोड़ा आगे चलते हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा अगर आपकी पार्टी की दांव पर है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर आप लोगों को एक तरफा वोट मिले थे। हाल ही में जो वहां पर समाजवादी का चल रहा है, बीएसपी है, इसमें बीजेपी खुद को कहां पाती है? अब उत्तर प्रदेश की जनता गांव, गरीब, मजदूर, किसान, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति चाहता है। उत्तर प्रदेश धनवान है पर जनता गरीब है और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की राजनीति है, हम अच्छे रोड बना रहे हैं, अच्छे उद्योग आएंगे, हम गंगा का विकास कर रहे हैं, टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगी, रोजगार बढ़ेगा और गरीबी दूर होगी। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती, और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में नोटबंदी के निर्णय के कारण भी गरीब लोग हमारे साथ आए हैं और इसके कारण निश्चित रूप से मैं ये विश्वास रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमको प्रचंड बहुमत मिलेगा। नितिन जी, आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं पहले ऐलान करते हैं? देखिए, कुछ बातें, इलेक्शन एक स्ट्रेटेजी होती है, यानी ये रणनीति के तहत 100% अगर आवश्यकता होगी कि ऐसा कोई है जिसके नेता के कारण और संगठन के कारण चुनाव जीतने में अगर फायदा होता है तो वो भी करते हैं। अब इस समय हमारी नीति यही है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं का चेहरे पर लड़ेंगे और जो चुनकर आने के बाद चुनकर आए हुए एमएलए अपना मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे। लेकिन आपके लिए यूपी में सबसे बड़ी दल के रूप में जो आपको चुनौती देगा वो कौन दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश में तो ट्रायंगुलर फाइट होगी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में होगी। अब लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी आजमाया, वो देख रहे क्या क्या हो रहा है, और बहुजन समाज पार्टी से भी लोग बहुत त्रस्त थे और इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त, ट्रांसपेरेंसी के साथ, विकास की राजनीति के आधार पर और गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने की काबिलियत रखने वाली अगर कोई पार्टी है, कल्याण करने की काबिलियत रखने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नितिन जी, हाल ही में ये देखा गया है कि आप अरविंद केजरीवाल को लेके जो पहले सख्त हुआ करते थे, आपने अदालत में उनको चुनौती दी थी, इन दिनों आप काफी नम दिखाई देते हैं उनको लेकर, और पंजाब और गोवा में उनको आप कहां पाते हैं अरविंद केजरीवाल? देखो, मैं किसी को नरम नहीं और किसी को गरम नहीं, मैं एक जिम्मेदार सरकार का मंत्री हूं। जब विपक्ष में था तो नोकझोंक होती थी, अब मैं मानता हूं कि अब हम सत्तारूढ़ पार्टी है, हमारे को जिम्मेदारी पूर्ण चलना चाहिए। जो भी विकास के काम होते हैं देश के लिए, चाहे कोई भी पार्टी को, वो करना चाहिए, और मोदी जी का भी मंत्री है सबका साथ सबका विकास। तो मैं जब सभी लोग मुझे मिलते हैं तो जो हो सकता है तो मैं सबके लिए काम करते रहता हूं। अरविंद केजरीवाल आप चुनौती मानते हैं गोवा पंजाब में कहीं? गोवा में तो कोई दिखते नहीं चुनौती, उनकी एक भी सीट जीत नहीं पाएगी ऐसा मुझे लगता है, और पंजाब में भी हालत उनकी वैसी अप डाउन हो गए काफी।
लेकिन नितिन जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग डराते हैं, डराने की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के नेता भी उनको सीरियसली नहीं लेते, तो आप क्यों लेते हो? उनकी बातें बचकने जैसी हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने तो कुछ सबूत देने की भी बात की है कि प्रधानमंत्री ने दो बड़े घरानों से पैसे लिए हैं, मैं ये सबूत दे रहा हूँ, ये सारी बातें। ऐसा है कि हमारे कभी कभी कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से डिटोरेट हो रही है, उसलिए वो राजनीतिक संयम विवेक उसको भी छोड़कर आगे बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे लगता है उनका उम्र देखते हुए, इमैच्योरिटी देखते हुए, उदार अंतकरण से उनको माफ कर देना चाहिए। नितिन जी, एक हमें जानकारी मिली है, पता नहीं उसकी पुष्टि आप ही करेंगे अभी इसी साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री ने आप पे एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। वो जिम्मेदारी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने की, क्या ये जानकारी सही है? हाँ, सही है। मैं अभी 15 तारीख को रात को दावोस जा रहा हूँ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में वहां मैं शरीक भी होऊंगा। नई इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़े और निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए अलग अलग क्षेत्रों में, ये हमारा प्रयास रहा है। नितिन जी, जीएसटी कब से लागू होगा? जीएसटी पे सरकार लगता है इस पार्लियामेंट के सेशन में जीएसटी के संबंधित सभी बातों को मंजूरी मिलेगी और 1 अप्रैल के पहले जीएसटी लागू हो जाएगा। नितिन जी, एक और, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिका के चुनाव हैं और उसके साथ साथ मुंबई महानगर पालिका जो कि अपने आप में एक छोटा प्रदेश माना जाता है, क्या लगता है आपको, बीजेपी को शिवसेना के साथ आ जाना चाहिए? देखो, अभी तो नगर परिषद के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली, हमारे नागपुर जिले के भी चुनाव थे, काफी सफलता मिली और मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की राजनीति है उसके परिणाम दिखना शुरू हुआ है। शिवसेना के साथ आना चाहिए नितिन जी, लगता तो है तो महाराष्ट्र का यूनिट और हमारे नेता है। अब तो मैं महाराष्ट्र के बाहर हूँ, मैं चाहता हूँ अलायंस हो, लेकिन आपकी राय ली जाती है? हाँ, राय होती है पर अल्टीमेटली स्टेट हमारा यूनिट और वो बात करेंगे और अलायंस होती है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, यही मेरी शुभकामना है। राज ठाकरे नितिन जी आपके काफी करीबी रहे हैं, राज ठाकरे की भूमिका कितना? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी कभी हिंदुस्तान की मीडिया में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मैंने अपने रिश्ते और संबंध कभी राजनीति से जोड़े नहीं है। कांग्रेस में भी अनेक नेता है, कभी वो बहुत पावरफुल है, कभी नहीं है, कभी चुनाव जीते कभी नहीं जीते। मैंने जिनसे एक बार दोस्ती है मेरी, वो दोस्ती है और वो दोस्ती राजनीतिक है नहीं है, और वो दोस्ती को मैं भी निभाता हूँ, वो भी निभाते हैं। नितिन जी, चूंकि अब हम अपने साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में हैं, मेरा एक अहम सवाल वापस यूपी पर आता है कि समाजवादी घराने में जो झगड़ा चल रहा है उसको लेकर कई जगह से खबरें आ रही हैं कि ये बीजेपी करा रही है। इसके साथ बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, मैं मुलायम सिंह जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और कई भी परिवार में पिता पुत्र के बीच में संघर्ष हो ये देखते हुए भी अच्छा नहीं लगता। हर चीज को राजनीतिक फायदे के लिए उठाना चाहिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भगवान करे उनके परिवार में फिर से एक बार अच्छे संबंध प्रस्तावित हो जाएंगे तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। अगर अलग और लड़ाई जो होती है वो संगठन की होती है और विचारधारा की होती है, और वो विचारधारा की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। उनमें दम होगा तो जीतेंगे, हमारे में दम होगा तो हम जीतेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े दिल के थे, वो कहते थे कि छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। तो हम लोग चाहते कि विचारधारा के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर लड़ाई हो। तो ईमानदारी का पर्व देश में चल रहा है और नितिन गडकरी ईमानदारी से सारी बातें अपनी रख रहे थे, लेकिन हाँ, किसमें कितना है दम देखेंगे हम, वो भी 11 मार्च के बाद। आपने इंडिया न्यूज से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।